हाय दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बने हैं तब से व्हाट्सएप पे लगातार बहुत सारे ऑफर्स आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे, जो कि कुछ तो है लैपटॉप से रिलेटेड, कुछ है आयुष्मान भारत योजना से रिलेटेड और कुछ है आपको फ्री रिचार्ज से रिलेटेड और भी बहुत सारे ऑफर जो है। जब से प्रधानमंत्री जी दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं तब से तो मतलब व्हाट्सएप पर इसी तरह के मैसेज बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। अगर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो यहाँ पे इसमें मैंने आपको सिर्फ चार मैसेजेस जो है यहाँ पे कॉपी किए हैं, बाकी तो और बहुत सारे मैसेजेस मेरे ग्रुप्स में आ रखे हैं। जो मैं कॉपी करता तो बहुत सारी यहाँ पे लंबी सी लिस्ट बन जाती। पहली अगर मैं इसकी बात करूँ मैसेज की, तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा है, नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की खुशी में मेक इन इंडिया के तहत 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त लैपटॉप देने का ऐलान किया गया है। अभी तक 30 लाख युवा सफलतापूर्वक आवेदन कर चुके हैं, अब आपकी बारी है, अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन जल्द से जल्द सबमिट करें। मतलब सबसे पहली बात तो ये कि ऐसी लैंग्वेज कोई भी नहीं लिखता है। दूसरी बात ये कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई ऐसी स्कीम निकालेंगे तो क्या सिर्फ वो व्हाट्सएप के लिए ही इतना पॉपुलर रहेंगे कि बस व्हाट्सएप पे ही उस लिंक को शेयर करना है, कोई न्यूज नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, कोई टीवी चैनल पे कोई न्यूज नहीं। तो सबसे पहली बात मैं अगर करूँ इन मैसेजेस की, तो ये टोटली फेक है। आपको इस तरह के मैसेज से बचना है, किसी को भी आगे इस मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करना है। अगर किसी ने आगे फॉरवर्ड किया है तो वो उसकी गलती है। फॉरवर्ड करने का भी ऑप्शन तभी आता है जब आप इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन भर देते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है आपको, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, 13 से 70 साल के 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा दिया जा रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई 2019, मतलब कि अभी भी 2 दिन बाकी है इस वाली स्कीम में। उसके लिए नीचे फिर एक लिंक दे रखा है, http://आयुष्मान-भारत-योजना.in। इससे पहले था modi-laptop.wishkaroyar.tk, मतलब कि ऐसी कोई वेबसाइट होती है यार, हद है मतलब। और इतने अच्छे अच्छे लोग जो वेल एजुकेटेड लोग हैं वो लोग इन मैसेजेस को ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। उसके बाद एक और मैसेज यहाँ पर मिलता है, एक बार फिर मोदी सरकार की तरफ से देशवासियों को तहे दिल से शुक्रिया कहने के लिए दिया जा रहा है फ्री 500 का रिचार्ज। मतलब इतनी सस्ती प्रचार मीडिया। उसके आगे आपको देखने मिलेगा httpmodisarkaryojana.sciencetechnews.com, मतलब ये जो क्रिएटर है ना भाई साहब, मतलब जबरदस्त लोग होते हैं। बड़े गजब गजब की वेबसाइट का लिंक यहाँ पे देते हैं, आप पढ़ेंगे modi-sarkaryojana.sciencetechnews.com, ये भी फर्जी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में भारी बहुमत से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते सभी को 50,000 रुपए देने का वादा किया है। तो अभी नीचे लिंक पर क्लिक करें, अपना फॉर्म भरें और अपना नाम इस योजना में जोड़ें। अब फिर इसमें एक मजेदार आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा, नरेंद्र मोदी है ना news.yojana.blogpost.com। जब आप इन जैसे किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं, चलिए मान ली लास्ट वाले लिंक पे मैं क्लिक कर देता हूँ, इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक सुंदर सी वेबसाइट यहाँ पे खुलेगी जिसमें मोदी जी को काफी अच्छे से इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट कर रखा होगा। चलिए ये वाला लिंक तो मुझे लगता है कि बंद कर दिया गया है, उसके बाद इस पर ले लेते हैं, फ्री रिचार्ज वाले पे ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसी इस टाइप की वेबसाइट जो है, अगर आप जैसे तुरंत क्लिक करेंगे सुंदर सी क्रिएटिविटी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, जिसमें प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगी हुई है, साथ में इसमें 3-4 क्वेश्चन भी है। इसमें लिखा है 2019 इंडियन जनरल इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड दैट 500 फ्री रिचार्ज विल बी गिवन टू हिज सपोर्टर्स थ्रू दिस सर्वे। मतलब कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पब्लिक को 500 रुपए देंगे, वाह क्या बात है। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या आप मोदी सरकार के आने से खुश हैं? चलिए हाँ कर देते हैं। उसके बाद भैया अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्या आपने मोदी सरकार के लिए वोट किया था? चलिए इसको भी हाँ करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, भारत के विकास में बेहतर सरकार है कांग्रेस बीजेपी आप या एनडीए? इसमें एक भी नहीं, चलिए एक भी नहीं पे कर देते हैं। अब क्या होता है, अब भैया यहाँ पे थैंक यू पार्टिसिपेट, आप मतलब बिना कुछ किए कोई इन्फॉर्मेशन दिए हम जो है पार्टिसिपेट कर चुके हैं, कैसे कुछ पता नहीं। चलिए अब उसके बाद वापस चलते हैं, फिर इसी टाइप का जो है आयुष्मान कार्ड वाला, इस पर हम एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे बड़ा मजेदार एक वेबसाइट खुलेगी, जिसमें सबसे मजेदार चीज तो ये है कि इसमें टाइमिंग भी दी रही होती है कि भैया आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, सिर्फ 2 दिन हैं, सिर्फ 4 घंटे हैं, सिर्फ 4 दिन हैं। देखिए यहाँ पे भी टाइम चल रहा है 2 डेज 13 आवर्स 20 मिनट 43 सेकेंड्स। उसमें फिर आवेदक का नाम, आवेदक का मोबाइल नंबर, उम्र और राज्य, मतलब जब आप ये चीज इसमें फिल कर दोगे तो आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उन फेक क्रिएटर्स या उन फेक हैकर्स को चली जाएगी जिन लोगों ने ये वेबसाइट क्रिएट कर रखी है। तो अगर ऐसी वेबसाइट का लिंक, क्या पहली बात तो ये है कि चलिए अगर कोई अनपढ़ हो तब तो समझ में आता है कि इन चीजों में फंस जाए, लेकिन पढ़े लिखे जो वेल एजुकेटेड लोग हैं वही व्हाट्सएप पर इस इन जैसी फेक न्यूज को जो है वायरल करते हैं, आगे शेयर करते हैं। अब जब मैं इन चीज अगर मैं इस आयुष्मान योजना वाली स्कीम की बात करूं, जब मैं ये इन्फॉर्मेशन सारी भर
भर दूंगा ना, सबमिट करूंगा, सबमिट करते ही यहाँ पे फिर आगे शेयर करने का ऑप्शन आने लगेगा, जिसके थ्रू मैं और दो चार लोगों को पागल बना सकता हूँ। तो ले दे करके जितने भी लिंक इस टाइप के कोई ऑफर वाले लिंक अगर आपके व्हाट्सएप पे आते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि किसी भी लिंक को आगे फॉरवर्ड ना करें, और जो फॉरवर्ड आपको कर रहा है उसको भी समझाएं कि भाई ये फेक है, आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं और शेयर हो रही है, आपके साथ चोरी हो सकती है, आपका बैंक अकाउंट जा सकता है, आपका मोबाइल नंबर से बैलेंस जा सकता है, और भी बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन छोटे छोटे मैसेजेस के थ्रू, इन छोटे छोटे लिंक के थ्रू आपके फोन से गायब किए जा सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा लास्ट में, तो लास्ट में बस वीडियो में यही कहना चाहूंगा कि इस तरह के किसी भी मैसेज पर आपको गौर नहीं देनी है, ऐसे फेक मैसेज से बचना है। अगर आपको कोई ऐसा मैसेज मिलता है तो उसको सीधे ब्लॉक करना है, डिलीट करना है, और भेजने वाले को भी समझाना है। सतर्क रहे, सावधान रहे, और देखते रहे टेक्निकल गिफ्ट। मिलेंगे नए अपडेट्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। Oh, 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 oh